गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। दिन की शुरुआत ना एक अच्छी हेल्दी आदत के साथ, तो सबसे पहले ना गर्म पानी, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद फिर शुरू होंगे बहुत से काम, क्योंकि ना होली आने वाली है, जस्ट एक दिन ही बचा हुआ है। मतलब जो मैं आज आप लोग के साथ वीडियो क्लिपिंग जो शेयर कर रही हूँ, सॉरी, तो वो ना होलिका वाले दिन की है। और गुजिया हम लोग होलिका वाले दिन ही बनाते हैं, गोली होता है, क्योंकि इससे ज़्यादा पहले बना नहीं पाते। बनाना जो है बना सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने होलिका वाले दिन ही बनाया था। तो आप लोगों के साथ इसका शेयर कर दिए। कितने यहाँ पर सब लोग मिल के ना बना रहे हैं गुजिया। और अभी भी दो मेम्बर ऐसे हैं जो घर के बाहर है फिलहाल, तो हम चार लोग ना यहाँ बैठ के बना रहे हैं। सब लोग मिल के बनाते हैं तो जल्दी हो जाता है, नहीं तो गुजिया ना इतना ज़्यादा उबाऊ काम है बनाना। इसको बनाने में ओवन होने लगती है, क्योंकि एक आदमी से नहीं होने वाला। और जब तीन चार लोग मिलकर बनाते हैं तो बातें करते और ये सब जो है करते हुए ना समय कट जाता है और बन भी जाता है, पता नहीं चलता है। तो बस यहाँ पर ना अब गुजिए को जो है फ्राई करना है, और बहुत ही टेस्टी सा प्यारा सा गुजिया हमारा बन के तैयार हो जाए। बिना गुजिया की होली नहीं होती है, तो ना ऐसे कहाँ भी जाता है। और हर जगह का अपना अलग अलग जो है ट्रेडिशन होता है। जैसे हमारे यहाँ गुजिया बनना बहुत ज़रूरी होता है। कुछ जगहों पे कुछ ऐसे पकवान होते हैं जो वहाँ की जो वो रिचुअल्स होते हैं, जो वहाँ का जो ट्रेडिशन होता है उसको दर्शाता है। तो गुजिया ना हमारे यूपी में, हमारे बिहार में जगह पे बहुत ज़्यादा फेमस है, और इसके बिना तो होली की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। तो अलग अलग शेप, अलग अलग डिज़ाइन, अलग अलग मोड के बनते हैं, और बिल्कुल ज़रूरी भी होता है और होना भी चाहिए, क्योंकि यही तो एक समय है ना जब हम लोग ये सब चीज़ें और शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ। और यहाँ पे दूसरा सबसे बड़ा रिवाज हो रहा है उपटन लगाने का। तो ये ना राई जो होती है, उसी सरसों जिसको बोलते हैं, उसको भून लिया गया था। भूनने के बाद में उसको पीसा गया है। तो ये सब काम जो है हमारे यहाँ पर इसका रिवाज है। और उपटन लगाने का मेन जो होता है ना वो बुआ का होता है, मतलब बुआ हो जिसकी या ननद जो होती है ना वो आती है और वो लगाती है। तो भाई आज के समय में ये सब पॉसिबल नहीं है, तो इसके लिए ना कुछ नहीं कहा जा सकता, जो जैसे है उसको कर दिया जाता है। यहाँ पर ना वही तो लगाती हूँ उपटन, मैं ही क्या, सबके घर में सबकी मम्मी सबकी वाइफ यही लोग लगाते हैं। तो यहाँ ना मैं सबको लगा दे रही हूँ उपटन, थोड़ा थोड़ा। कल चाहे शिवदत्ता लोग भी आएंगे, और हिम्मत खुद की भी रही है शिवदत्ता शक्ति दीदी। और ये जो निकलेगा ना इसका जो निकालते हैं उसके बाद ये जो है वो जाता है। क्या तो रहा था दीदी से, दीदी के बात कर रहा था, कि दद्दा कह रहा था बात पूछे। जितने भी हमारे अरे नेगेटिविटी जो होती है उनका की अग्नि में चल जाती है, ऐसा कहा जाता है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत ही खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सबके यहाँ ना होली की तैयारियाँ हो चुकी होंगी, क्योंकि आज तो होली है। तो बस हमारे यहाँ भी ना तैयारियाँ सब हो चुकी हैं। अभी खाना बना रही हूँ, उसके बाद चलेंगे रंगमंग खेलेंगे, फिर जो होगा वो आप लोग के साथ ब्लॉग में शेयर करेंगे। तो मिलते हैं, खाना पहले बना लेती हूँ, क्योंकि चाहे जितने भी त्यौहार हो जाए या जितना भी कहीं चले जाए, कहीं कुछ हो जाए, लेकिन हमारा किचन ना हमसे कभी नहीं छूटता, हमारा किचन हमारे साथ रहता है। मतलब हम लोग ना ऐसे ही हैं, हम लोग ऐसे चलता है। चलिए बनाते हैं। तो यहाँ पे बन रहे हैं मीठी पूरी, और जो है वो भी बनेगी पूरियाँ। तो ये सब चीज़ें ना त्यौहार वाले दिन तो सबके यहाँ बनती ही हैं। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोग के यहाँ क्या क्या बना, कि होता है ना कि बहुत ज़्यादा उम्मीद रहती है कि कोई कमेंट बॉक्स में आके कुछ कमेंट करे तो उसका आंसर दे। तो मुझे ना बहुत इसका मन करता है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। तो जो लोग भी ना पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि मुझे ना सब्सक्रिप्शन की भी बहुत ज़रूरत है और वॉच टाइम की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मैं अपने ट्रेडिशन, अपने रिचुअल्स आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ,
और मेरे और कितने लोग जो है उसे देखते हैं या कितने लोग उसके प्रति क्या विचार रखते हैं ना, इसको जानने की बहुत इच्छा होती है। तो वो तभी पॉसिबल है जब आप लोगों में से कुछ लोग आएंगे, कमेंट करेंगे या लाइक करेंगे। तो उम्मीद है, करती हूँ कि आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकॉन भी दबाइएगा, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन जो होती है ना वो आप तक पहुँच जाएगी। तो बस इसी उम्मीद के साथ इस त्यौहार से मैं यही उम्मीद करती हूँ कि ये त्यौहार हमारी खुशियाँ जो है दोगुनी करें। तो इसके साथ ही ना बस ज़्यादा आज कुछ ब्लॉग में है नहीं, जैसे जैसे हम लोगों ने जो जो त्यौहार मनाए बस वही सब है। तो यहाँ हमारे ना वो आप देख सकते हो मीठी पूड़ियाँ कितनी सुंदर और सुनहरे रंग की, बहुत ही अच्छे से फूल गई थी क्योंकि इसको रात में ही सान दिया गया था और उसके बाद रात भर इसको छोड़ दिया गया, और सवेरे जब बनाते हैं ना तो बहुत अच्छी टेस्टी और मतलब फ्लफी बनती है। तो बस जितने भी और सब खाना पीना था ना वो सब बन गया था और चलते हैं। और रही बात 32 बार फॉर्मूला की, तो भाई त्यौहार है तो त्यौहार में ना सब चलता है, एक आध दो दिन करने से कोई वो नहीं होगा। तो फिलहाल हम लोग इंजॉय करते हैं, आप लोग मेरे ब्लॉग के साथ बने रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नई नई चीज़ों के साथ, नई लाइफस्टाइल के साथ, कुछ नए पन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।